गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरीवन इज हेल्दी सेफ एंड हैप्पी। सो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी 6 बजे निकल गया। अभी सुबह 5 बजे उठा फाइनली। कितने दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि 5 बजे उठूँ तो फाइनली उठ गया 5 बजे। अभी 6 बजे अभी जा रहे हैं हम खेलने फुटबॉल। ओके, बहुत दिनों के बाद आई एम गोइंग टू प्ले विद माई ब्रदर। सो लेट्स गो, लेट्स एन्जॉय द गेम। गुड मॉर्निंग, चलो अभी पूरा रोड खा लिया, अभी जाते हैं फुटबॉल खेलने। मस्त हेलो हेलो, चलो अर्षद पर बगू शेगा तुम्हें अर्षद चल रहे हैं। अभी घर जा रहे हैं, मेरी मौसी और मेरी आई दोस्ती दोनों सिमिलर दिखते थे, सेम सेम फेस। चलो मेरा भी फेस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। गणपति बप्पा लेट्स गो। सो गाइस फाइनली अभी घर पहुंच गए हम। हमने मावशी को अभी उनके घर पे ड्रॉप कर लिया है और अभी हम घर आ गए हैं। और अभी आज भी बाहर से खाना ऑर्डर किया है क्योंकि हम अभी घर आए हैं, बहुत थक गए हैं। तो अभी खाना खाएंगे और मस्त सो जाएंगे। कल रात को भी मस्त बिरयानी थी और बहुत सेक्सी थी। और ब्लॉग आ गया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो देखना ना भूले। ओके, देखे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मुझे सपोर्ट करते रहे। अभी खाना खाएंगे और सो जाएंगे और फिर देखते आगे वीडियो बना के डालेंगे कॉन्टेंट। ओके, अभी पहले सो जाते हैं, बहुत थक गया हूँ मैं अभी क्योंकि ना ट्रैवलिंग। देखो ऐसा बीच बीच में ना ऐसा डिस्टर्ब करते ना, इसलिए मेरा लिंक टूट जाता है। एक तो याद करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलो अभी। बट ठीक है, चलो अभी खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि ना ट्रैवलिंग करने के टाइम ना, मतलब क्या हो ना, मैं किधर मथुरा घूमने गया, वाराणसी घूमने गया, तो वहाँ पर ट्रैवलिंग करते घूमते तो थकना इतना थकने नहीं, क्योंकि वहाँ पर सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। पर अभी हम ना ऐसा मुंबई के धूल मिट्टी में और धूप में ना, धूप तो भाई अलग लेवल है और धूल मिट्टी में घूमने में ना बहुत ऐसा त्रास हो जाता है। पर ठीक है, मज़ा आया अपने। मैं कज़िन भाई के घर पे गया था, मावशी भी थी वहाँ पे, हमने रात भर मस्त मूवी वगैरह देखा, गप्पे मारे। ओके, तो अभी घर आ गया हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ओके, मैं अभी सो के उठ गया हूँ, बहुत अच्छी नींद लगी। और मैंने ना बहुत दिनों के बाद कोई मूवी देखी, सच में KGF मूवी देखी। मैंने पार्ट वन भी नहीं देखा था, पार्ट वन भी देख लिया, पार्ट टू भी देख लिया, दोनों एक साथ देख लिया। बहुत ही मस्त मूवी है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग है पर स्टोरी बहुत अच्छी है, सीरियसली बहुत लवली है। मतलब एक माँ और बेटे की स्टोरी, ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज इमोशनल। माँ और बेटे की स्टोरी हमेशा इमोशनल कर देती है, बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है। थोड़ा ज़्यादा फाइटिंग है और थोड़ा अनरियलिस्टिक फाइटिंग है, बट वो फाइटिंग देखने में मज़ा आता है, बहुत वायलेंस है पर मज़ा आता है, ठीक है। और मैंने अभी मेरे रील भी डाल दिया है, आज का रील में ज़्यादा बोलते हैं क्या बोलते हैं, ज़्यादा कोई सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। आज का रील है कि मैं जब बीच में जू बीच गया था ना, तो उस पर थोड़ा ट्रांजिशन वीडियो बनाया मैंने उस पर, और उस पर मैंने कहा है हैप्पीनेस प्लस स्ट्रगल इट विल ऑटोमेटिकली मेक अ इंस्पायरिंग स्टोरी। खुश भी रहना है और मेहनत भी करनी है, ऑटोमेटिकली एक इंस्पायरिंग कहानी आपकी बन जाएगी, दुनिया के लिए भी और आपके लिए भी। ओके, सो खुश रहो और मेहनत करते रहो, ये है वो रील का पूरा मोटिव। उसका मैं लिंक अब मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करना और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव, ऐसे लवली इंस्पायरिंग रील्स, शॉर्ट वीडियोस आते रहते हैं। ओके, तो अभी मैं नीचे थोड़ा राउंड मारने जा रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत देर से घर पर बैठा था, सोया था, थोड़ा फ्रेश होने जा रहा हूँ कि नीचे। ओके, और मेरे दोस्त भी आएंगे तो उनसे भी मिल लूँगा। सो लेट्स गो,
लेट्स एंड द संडे हैप्पीली और मंडे एकदम एनर्जेटिकली शुरू करते हैं। See these beautiful plants. अभी सुबह हो गई है, अभी इस वीडियो को एंड करना है। वाह, प्लांटेशन करना इतना सही लग रहा है ना, पूरा भरा भरा हुआ। वाह, ब्यूटिफुल एटमोसफियर। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। ओके, और कल रात को मैंने एंड नहीं किया व्लॉग क्योंकि मैं सीधा आके सो गया। अभी एडिटिंग हो गया है, खाली ये लास्ट क्लिप डालना है मुझे और फिर अपलोड कर दूंगा। ओके, सो लेट्स एंड दिस व्लॉग। बहुत ही स्वीट और सिंपल व्लॉग था, मैं अपने कजिन भाई के लिए था, सब दिखेगा व्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें कहिए लाइक करने, सब्सक्राइब करने, कमेंट भी करिए कि मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, और लेट्स एंड दिस व्लॉग। खुश रहना, मुस्कुराते रहना, खुशियाँ बांटते रहना और देखते रहना पॉजिटिविटी अराउंड।